शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे आयान खान पिछले साल सुर्खियों में रहे। आयान खान मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज के ड्रग्स केस में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने गिरफ्तार किया था। अक्टूबर 2021 में आयान की गिरफ्तारी के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। कोर्ट में कई सुनवाइयां हुई थी और काफी मुश्किलों के बाद आयान खान को बेल मिली थी। इसी बीच शाहरुख खान का परिवार काफी परेशान रहा। अब पहली बार आयान की मां गौरी खान ने इस बारे में बात की। करण जौहर के काफी विद करण के नए एपिसोड में गौरी खान पहुंची थी। यहां उनके साथ चंकी पांडे की वाइफ भावना पांडे और संजय कपूर की वाइफ महिम कपूर थी। दोनों को नेट पिक्सल के फोक फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ के में देखा गया था। शो पर होस्ट कर रहे करण जौहर ने आयान खान के विवाद के बिना नाम लिए उसके बारे में बात की। करण जौहर ने गौरी खान से कहा, यह उसके लिए बेहद मुश्किल रहा है और सभी इससे और ताकतवर होकर बाहर निकले हो। मैं जानता हूँ आप एक माँ हो, हम एक ही परिवार का हिस्सा है। मैं भी उसी परिवार का हिस्सा हूँ जिसकी आप हो और यह किसी के लिए भी आसान नहीं रहा है। और गौरी, आप इससे पहले ज्यादा ताकतवर बनकर उभरी हो। इसके जवाब में गौरी ने पहली बार आयान खान की गिरफ्तारी पर बात की। उन्होंने कहा, जिससे हम गुजर रहे हैं उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक परिवार के रूप में हम साथ जहां खड़े हैं, मैं कह सकती हूं कि हम सभी अच्छे स्पेस में हैं। हम एक दूसरे से मिलने वाले प्यार को महसूस करते हैं। हमारे दोस्त और बहुत सारे लोग जिन्हें हम नहीं जानते, ढेरों मैसेज हमें मिले और बहुत सारा प्यार हमें मिला।